निकम्मी है, और भाजपा की सरकार है इसलिए उसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह रहे हैं। यहाँ एक घटना घट जाती है तो उसके लिए तुरंत इस्तीफा दो, राष्ट्रपति शासन लागू करो, सब मांगे आ जाती हैं। वहाँ पे लगातार 2 महीने से 3 महीने से हिंसा चल रही है। तो यहाँ की घटना और वहाँ की घटना में फर्क नहीं महसूस होता है? दोनों की स्थितियों में जरा फर्क समझिए। वहाँ पे तो सुनियोजित लगातार एक ही जगह, एक ही प्रदेश में इस तरह की घटना एक ही स्थान पे हो रही है। यहाँ तो छिटपुट अपराध की बात है, वहाँ तो संगठित अपराध की बात है। दोनों में बहुत फर्क होता है। और सबसे बड़ी बात है कि आज मणिपुर के हालात तो बिल्कुल बेकाबू हो चुके हैं। ये सोचिए कि देश के गृह मंत्री जाके वहाँ 4-4 दिन 5-5 दिन वहाँ पे रहे हैं, फिर भी हालात नियंत्रण में नहीं आ रहे हैं। ये क्या दर्शाता है कि बिल्कुल वहाँ की सरकार निकम्मी है और भाजपा की सरकार है इसलिए उसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह रहे हैं। यहाँ एक घटना घट जाती है तो उसके लिए तुरंत इस्तीफा दो, राष्ट्रपति शासन लागू करो, सब मांगे आ जाती हैं। वहाँ पे लगातार 2 महीने से 3 महीने से हिंसा चल रही है। जो घटनाएं घट रही है पूरा देश देख रहा है। भाजपा की सरकार है, सरकार की कहीं उपस्थिति नहीं है, लेकिन वहाँ के बारे में केंद्र सरकार को कोई चिंता नहीं है। और सबसे दुखद बात है कि भारत सरकार के गृह मंत्री भी 3-3 बार जा चुके हैं और एक बार तो 4 दिन वहीं लगातार रहे, फिर भी स्थिति नियंत्रण में नहीं आई। मतलब है कि केंद्र सरकार भी वहाँ फेल हो रही है। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए मणिपुर में, आप क्या मानते? अब ये तो केंद्र सरकार को सोचना चाहिए ना। बिहार में जब एक घटना किसी खास घटना पर लगाने की मांग हो जाती है, वहाँ तो लगातार 3 महीने से हालात बेकाबू है। ये उन्हीं से पूछ लीजिएगा, अच्छा, वहाँ क्या होना चाहिए। प्रधानमंत्री का इतने दिन बाद कहना कि मेरे दिल में क्रोध भरा हुआ है, प्रधानमंत्री का बहुत दिनों के बाद ये कहना कि मेरे दिल में क्रोध भरा हुआ है मणिपुर की घटना को लेकर, काफी दुखी हूँ, कैसे? देखिए, वहाँ पर लोगों के जख्म को तो भरेगा जो अपराधी हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होने से। और उससे भी बड़ी बात है कि जब तक मणिपुर में शांति स्थापित नहीं होती है तब तक तो सब कुछ बेमानी है। कोई आदमी, चाहे प्रधानमंत्री, ठीक है उन्होंने बहुत ही दुखी मन से कोई भावना व्यक्त की है, लेकिन असल तो वहाँ के लोगों को राहत मिलेगी वहाँ के जब हालात नियंत्रण में आएंगे। लेकिन आज भी वहाँ हालात नियंत्रण में नहीं है, ये दुख की बात। क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन लगने के बाद ही नियंत्रित होगा हालात? अरे ये तो सोचना ही चाहिए कि भाई इतना तो तय है कि वहाँ की सरकार हो या केंद्र सरकार भी बहुत हद तक वहाँ जाके अभी तक नाकाम रही है, इसलिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वहाँ शांति हो। बिहार की बेटी, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आज जब पूरे देश में बिहार, मतलब लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में या गरीबी दूर करने की दर में देश में सबसे अव्वल स्थान पर रहा है, तो पता नहीं क्यों भाजपा के कुछ नेता इस बात पर भी गर्व महसूस नहीं करते। और हमें तो आश्चर्य हुआ जब हमने देखा कि कल एक पंक्ति में भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने कह दिया कि बिहार में जो गरीबी दूर करने की दर ज़्यादा रही है इसमें केंद्र का योगदान है। ये तो आश्चर्यजनक है। और उसमें से नेता मंत्री भी रहे हैं, वित्त मंत्री भी रहे हैं, दूसरे वरिष्ठ नेतागण हैं जो सारी चीज़ों को समझते हैं, कि केवल हमको बता दें भाजपा नेता
जो बिहार के लिए कौन सी विशेष योजना केंद्र सरकार ने स्वीकृत की, या गरीबी दूर करने के लिए कौन सी विशेष योजना केंद्र सरकार ने बिहार को दी है कि आज अगर बिहार गरीबी दूर करने में देश में सबसे आगे है, तो उसका श्रेय केंद्र को देने के लिए परेशान है। और अगर बिहार को सिर्फ अपने हक और हिस्से की ही राशि मिली है, जो संवैधानिक प्रावधान है या वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप राशि मिलने का प्रावधान है, उसी के तहत अन्य राज्यों की तरह ही बिहार को मिला है राशि, तो दूसरे जो भाजपा शासित प्रदेश हैं इस देश के, उनको इस गति से गरीबी दूर करने में किसने रोका था? उनको भी तो उसी तरीके से आवंटन मिला है जैसा जैसा बिहार को मिला है। तो सही बात यह है कि सिर्फ नीतीश सरकार के अंध विरोध में ये लोग बिहार को भी नीचा दिखाने से परहेज नहीं करते। आज भारत सरकार इस देश में गरीबी दूर करने के अपने प्रयासों और अपने उपलब्धियों की चर्चा कर रही है, जो हमारे यहाँ गरीबी दर घटा है, और भारत सरकार जो आंकड़े प्रस्तुत कर रही है या इस देश में जो गरीबी दूर हुआ है उसके जो आंकड़े हैं उसमें अधिकतम योगदान बिहार का है। और एक बात समझ से परे है कि जब भारत सरकार, उसकी संस्था नीति आयोग, ये सब बिहार सरकार की उपलब्धियों की प्रशंसा कर रहे हैं, फिर भी बिहार के भाजपा नेताओं का बिहारीपन नहीं जगता है। पता नहीं बिहार और बिहारीपन से उनको क्या वैमनस्य हो गया है कि बिहार को नीचा दिखाने में ही, बिहार की छवि खराब करने में ही उन्हें आनंद आता है कि बिहार ने तरक्की किया तो केंद्र ने करा दिया, और नहीं तरक्की कराया तो बिहार सरकार नाकाम है। अरे भाई, वो राशि उसी तरह की दूसरे भाजपा शासित प्रदेशों को भी दी गई थी। तो गरीबी हटाने का, गरीबी मिटाने या गरीबी घटाने का दर, बिहार वाला दर कहाँ दूसरे प्रदेश ने हासिल कर लिया? और अगर बिहार ने ये सराहनीय उपलब्धि हासिल की है तो ये सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल वित्तीय प्रबंधन और जो गरीबी मिटाने या गरीबी कम करने की जो योजनाएं हैं उनके प्रभावकारी क्रियान्वयन का नतीजा है, सिर्फ उसी का नतीजा है। अब भाजपा नेताओं को कम से कम ईर्ष्या और जलन की भावना से ऊपर उठकर, भाई बिहार वासियों के लिए तो गर्व की बात है, कम से कम एक बिहारी के नाते तो इस पर गर्व करें जो उनके प्रदेश की प्रशंसा हो रही है दूसरी जगहों में। लेकिन पता नहीं ये कितनी गहरी ईर्ष्या भाव है। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि भाई बिहार के सम्मान के लिए तो कम से कम बिहार के उपलब्धियों की चर्चा करिए। आज देश में जो गरीबी मिटाने के आंकड़े हैं उसमें सबसे अधिक योगदान बिहार सरकार का है। उल्टे कह रहे हैं कि बिहार में जो गरीबी मिटा है उसमें केंद्र का योगदान है, तो ये बिल्कुल अनुचित है। और बिहार की जनता सारी बातों को समझती है, और क्या विशेष मदद कर दिया? हम लोग तो विशेष राज्य का दर्जा कब से मांग रहे हैं। आज जब हम सबसे तेज गति से तरक्की कर रहे हैं, हमारे पास संसाधनों की कमी है, प्राकृतिक संसाधन उस रूप में नहीं है, फिर भी हम सीमित संसाधनों में देश के सबसे तेज गति से तरक्की करने वाले प्रदेशों में से एक है। और फिर भी जब गरीबी का आकलन होता है तो हम पीछे रहते हैं। तो जब हम तेज गति से तरक्की भी कर रहे हैं फिर भी गरीब रह रहे हैं,
यही तो स्थिति होती है जब विशेष मदद की जाती है, जब विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, जो मुख्यमंत्री जी की तरफ से बराबर मांग की जाती रही। लेकिन ये तो कुछ नहीं हुआ है। अलग से मदद करने की बात तो छोड़िए, जो हमारा वाजिब हक हिस्सा बनता है वो भी हमें समय पर नहीं मिलता है। इसलिए ये स्थिति बिहार की जनता भली भांति समझती है और उनको खूब समझ में आ रहा है कि सरकार की उपलब्धियों को नकार के बिहार की छवि धूमिल करना, यही भाजपा की फितरत बन गई है। मुख्यमंत्री जी